शिक्षा के बगैर बच्चों का सर्वांगीण विकास मुमकिन नहीं है, इसलिए बच्चों का भविष्य गढ़ने के लिए ना हटे, क्योंकि यही बच्चे देश का भविष्य है। बच्चों की प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक सभी प्रकार की सहायता के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा, यह भरोसा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महानगराध्यक्ष रफीक सिद्दीकी इन्होंने दिलाया है। स्थानीय खदान परिसर की हाजी मोहम्मद जाफर सिद्दीकी शाला क्रमांक 9 और जिला परिषद शाला अकोला में आयोजित गणवेश वितरण समारोह को वह संबोधित कर रही थी। उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान का दौर चुनौती भरा है, जिसके लिए अभिभावकों ने अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ना चाहिए। बच्चों के सर्वांगीण विकास में उन्हें हमेशा अच्छाई की राह दिखाते हुए बुराई से बचाने के भरसक प्रयास करना चाहिए। कार्यक्रम का संचालन शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष नवाब अली और आभार प्रदर्शन जमील खान ने किया। इस अवसर पर शाला के शिक्षक शिक्षिकाएं और विद्यार्थियों सहित अभिभावक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस अवसर पर खदान थाना के पुलिस निरीक्षक धनंजय सारे ने भी विद्यार्थियों सहित अभिभावकों का मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम में देवानंद ताले, जमील खान, मोहम्मद यूनुस, वसीम ठेकेदार, अलीम ठेकेदार, मोहम्मद असद के अलावा जिला परिषद अकोले के मुख्याध्यापक मोहम्मद अतहर, शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष मनान सिद्दीकी, उपाध्यक्ष एहसान दानिश, हाजी मोहम्मद जाफर सिद्दीकी, मनपा शाला क्रमांक 9 के मुख्याध्यापक मोहम्मद मजहर आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। बीसीएन न्यूज के लिए अकोला से असगर खान की रिपोर्ट।